पर केस की समाप्त अबू उसनाद जुल्कर नैन साहब की कोर्ट में होने जा रही थी, और आज सबसे हैरानगी की बात यह है कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद इसके के स्पेशल कोर्ट का हुक्म था इमरान खान साहब की प्रोडक्शन का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का फैसला था कि ये प्रोसीडिंग्स अब ओपन कोर्ट में होंगी। यार आप खामोश हो जाएं, मेहरबानी फरमाएं, खामोश हो जाएं। यार क्या मसला है? सर प्लीज। अच्छा, मेरे ख्याल है ये आपकी इंटरनल कुछ डिस्टरबेंस चल रही है। प्लीज प्लीज। आज और यार लड़ाई क्यों कर रहे हैं? बात करेंगे। आप यार नीचे बैठे हो। जी जनाब, आज साइफर केस की समाअत अबू उसनाद जुल्कर नैन साहब की कोर्ट में आज फिक्स थी, और आज इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए हुए थे। ना सिर्फ इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे कि वो भी आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। मगर आज हैरत की बात ये है कि अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, और ये जेल सुपरिटेंडेंट ने आज जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी है जिसको सुबह 9 बजे खोला गया है, और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और उनकी जान को खतरा लाहक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्ट को शुरू दिन से ही ओपन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी। एक ओपन कोर्ट में तमाम ट्रायल चलना चाहिए था। जेल प्रेमिसेस के अंदर बहुत स्पीड में, बहुत जल्दबाजी में ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा था। 4 महीने का उसमें डायरेक्शन भी आ गया, मुनासिब यही था कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता। उसे हुआ ये कि तमाम अभी तक का एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ वो वॉइड हो गया, और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में 8-9 एविडेंस रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। दोबारा चार्ज फ्रेम होगा, दोबारा कॉपी सप्लाई होंगी, और दोबारा तमाम का तमाम एविडेंस रिकॉर्ड होगा। मगर आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट, और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते, तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ? जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है, और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता, ये जेल सुपरिंटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया है कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहाँ चल सकता है ना यहाँ चल सकता है, तो ये केस किधर चलेगा फिर? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो जमानत के हकदार नहीं है कि ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता? सो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूज़ल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है, ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग and conducting an open trial in open court in judicial complex Islamabad. आज पहली दफ़ा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफर की प्रोसीडिंग्स में, और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम पुरुमीद थे कि आज से साइफर का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा, जहाँ से ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफर के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफर का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? अभी सॉरी, देखिए तौहीन अदालत का तो हमने अदालत को
अंदिया दिया है कि आपको अब ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इन्होंने आपके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कि ये ओपन ट्रायल होगा इन्होंने इनकार कर दिया है, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और कौन कर रहा है, जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। आज उन पर लाजिम था कि वो जैसे तैसे भी सिक्योरिटीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करते, सिक्योरिटी को इंक्रीज करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। यहाँ लाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, यहाँ लाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, यहाँ पर सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग आईजी इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। सो ना तो इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आपके नोटिस में हो, हमारे नोटिस में हो, कि यहाँ खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई दहशतगर्दी का कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जिसकी रोशनी में आज के ऑर्डर की कोई जस्टिफिकेशन किसी भी एंगल से बनती नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने जो भी अंदर टाइम लिया है कि मैं इसमें अब मुनासिब हुक्म देता हूँ दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, वो यकीनन उनको जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आज ही हुक्म देना चाहिए कि या इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए या जिन्होंने ये खतों किताबत जज साहब के साथ की है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ हो। और साथ ही साथ में ये साइफर केस, जिसे हम कानून में साइनाडाइड जर्न कहते हैं, और साइनाडाइड जर्न करके जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको फौरन रिहाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलता हुआ आप नजर नहीं आ रहा। अगर आज अदालत किसी बंदे की अंजाम की तरफ नहीं पहुंची तो क्या आप आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, वो रेमेडीज हमारे पास हमेशा होती हैं, मगर आज सबसे पहले ये कहना कबल इस वक्त है कि अंदर से इस वक्त क्या हुक्म आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज के सबमिशंस हैं उनकी रोशनी में जज साहब यकीनन कोई सख्त ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि आज उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने से जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार किया है, और उसने जो ग्राउंड दी है वो बहुत ही बेबुनियाद सी का जवाब बना के उन्होंने ये लेटर जज साहब को भेज दिया कि हम नहीं पेश कर सकते। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि साइफर का ट्रायल जब साइफर की जहाँ समाप्त हो रही है, जब उन जज साहब का हुक्म आ गया, हाई कोर्ट के दो जजेस का हुक्म आ गया, तो अब किसके हुक्म का इंतज़ार है? कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ट्रायल वहाँ चलना है? इन दो ऑर्डर्स की मौजूदगी में कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं बनता था कि आज खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ पेश ना किया जाता। सर, बहुत अफसोसनाक अफसोसनाक प्रोसीडिंग्स हैं, और अफसोसनाक दिन है कि आज सीनियर अदलिया के हुक्म को जो है वो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट उनके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।